देखो बच्चों, अब जो यहाँ पर हम क्वेश्चन करेंगे यह एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 15 है, ठीक है। तो अच्छा एक चीज और, मेरी जो बिंदी है बेटा हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कि प्लीज आप लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक उठाएं और वहां से जाकर इस क्वेश्चन को रीड करें बच्चों, तो आपको थोड़ा सा और हेल्प मिलेगी। बाकी मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। देखिए बच्चा, एनसीईआरटी का क्लास 9 का चैप्टर 2 का एक्सरसाइज 2.5 का 15 क्वेश्चन, गिवन पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, ठीक है। रेक्टेंगल्स का ये दे रखा हमें, मतलब लेंथ और ब्रेथ निकालनी है, इन विच देयर एरिया लिया, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें एक्सप्रेशन गिवन है बेटा, हमें एरिया गिवन है और इसका हमें क्या निकालना है, लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो बच्चों एक बात बताओ मुझे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल का मतलब आयत, ठीक है, और हमें क्षेत्रफल निकालना है, क्षेत्रफल गिवन है तो हमें लंबाई और चौड़ाई निकालनी है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है बेटा, एल इंटू बी होता है, यानी कि अगर मैं इस एक्सप्रेशन का फैक्टर कर दूं तो फैक्टर की फॉर्म्स में दो चीजें आएंगी, जब हमारी दो चीजें आएंगी तो एक हो जाएगी लेंथ और दूसरी हो जाएगी हमारी ब्रेथ। तो हम बेटा इसका फैक्टर करते हैं सबसे पहले, तो फैक्टर करना मैंने आप लोगों को सिखाया था बच्चों। सबसे पहला स्टेप क्या होता है बच्चों, फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं बच्चों, ठीक है, लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए बच्चों, तो इसको जब हम लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 25 × 12 कितना आ जाएगा, देखो 5 × 10 5 × 10 और 2 × 4 और 5 × 9 और 1 × 10 और ये 300 आ गए, ठीक है बच्चों। अब हम बेटा, अब हमें क्या करना है, हमें बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक करना है कि हमारे पास जोड़ने घटाने पर कितना है बेटा, जोड़ने घटाने पर हमारा कितना है 35 आए और गुणा करने पर हमारा कितना है बेटा, हमारा कितना है 300 आए। तो क्या मैं इसको इस तरीके से नहीं लिख सकता, देखो बेटा माइनस का 20A और माइनस का 15A, है ना। देखो 20 × 15 कितना हो गया आपका 35। देखो बेटा 20 × 50 अगर हम ऐड करेंगे तो 35 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है बेटा, प्लस होता है, और ए आ जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। दूसरी चीज, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा बेटा, 20A × 15A ये माइनस ये माइनस, तो माइनस माइनस क्या होगा बेटा, प्लस, और इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा बेटा 300A², यानी कि जो हमारे जो स्थिति है बेटा, यानी कि जो हम कर रहे हैं वो एकदम सही कर रहे हैं, आप आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। ये सारा रफ वर्क था बच्चों, ठीक है, यहाँ का कोई डाउट। अब देखो बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा हमें बेटा, 5A कॉमन है, तो यहाँ क्या बचेगा बच्चों, यहाँ बचेगा 5A और यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब यहाँ से काम करें, यहाँ से आप कॉमन ले लें 5, यहाँ से कॉमन क्या ले लें बेटा 5। जब आप 5 यहाँ से कॉमन लोगे तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम हो रही है, देखो 5 तो कॉमन आएगा तो यहाँ से कॉमन आएगा हमारा क्या 3 कॉमन आएगा, क्या आएगा कॉमन 3 आएगा, तो क्या बचेगा, वो भी माइनस का, तो ये आ जाएगा 5A − 4। अगर बेटा माइनस का कॉमन नहीं लेता मैं तो क्या होता बच्चों, ये वाली टर्म माइनस में हो जाती, जबकि हमें क्या चाहिए प्लस में चाहिए। ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ऑलवेज हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी ऑलवेज इक्वल होनी चाहिए। अगर इक्वल नहीं होगी इसका मतलब हम जो फैक्टराइजेशन कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया सभी को। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी इक्वल आ गई तो इसको कॉमन ले लीजिए, तो कितना आएगा 5A − 4 और सेम यहाँ पर ये बचेगा 5A − 3। अब यहाँ पर बेटा हमारे दो टर्म आ गई है तो जो हमारी लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 5A − 4 कुछ भी हो सकती है, और ब्रेथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी हमारी 5A − 3, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों, सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें, फिर आगे चलते हैं बच्चों, ठीक है। अब जो बेटा इसका सेकंड पार्ट वो भी इस तरीके से डील होगा, ठीक है, ध्यान से देखो जरा। तो देखो बेटा सेकंड पार्ट जो है उसको भी इस तरीके से करेंगे, वहां पे हमारा देखो क्या है 35 एरिया हमें दे रखा है, 35y² और प्लस 13y और आपका माइनस का 12। तो बेटा वही प्रोसीजर, सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर को लास्ट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बेटा, माइनस का 12 × 35y², तो कितना आएगा बच्चों, तो देखो 35 × 12 कर दो जरा, ये हो जाएगा 5 × 10 और 3 × 6 6 × 5 11 12 और ये 3 420, ठीक है। तो ये आपका 420 आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई करने पे। अब बेटा हमें क्या करना है, अब हमें बीच वाले टर्म को इस तरीके से स्प्लिट करना है कि जोड़ने घटाने पे कितना है 13 आए, हम ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें, हमारा 13y आना चाहिए, 13y आना चाहिए और हमारा मल्टीप्लाई उन टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 420 आना चाहिए बच्चों। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों, तो एक काम करते हैं, आप हम कुछ नहीं सोचेंगे तो देखो जरा इसका एलसीएम निकाल लेते हैं, ठीक है, 2 × 2 तो ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, है ना, और ये हो जाएगा 7 × 7 और ये हो जाएगा आपका 5 और ये हो जाएगा 5, है ना। अब हम इसे कैसे कर सकते हैं बेटा, देखो 7 × 2 = 14 और 14 × 2 = 28 ये हो गया, ये वाली ले ली और ये 5 × 15 = 15 हो गया, है ना।
अब 18 देखो 18 माइनस 15 सॉरी 28 में 15 बढ़ाएंगे 28 माइनस 15 तो 13 आ जाएगा हमारे पास, यानी कि हमारा जो स्टेप है वो सही चल रहे हैं। तो हम क्या लिखेंगे बेटा, इसको लिखेंगे हम 28y माइनस का 15y है ना, और माइनस का 12। अब देखो जरा पहले ध्यान से, 28 में से 15 आएगा तो 13 बचेगा, और जब इन दोनों का प्रोडक्ट होगा तो यही बारी टर्म आएगी हमारी 420, कितना आएगा हमारा बड़ा 420y स्क्वायर माइनस में, ठीक है, ये 420y स्क्वायर माइनस में ही आएगा। देखो जरा हमारा अगर 28y इंटू माइनस का 15y को करेंगे आप तो माइनस का 420y स्क्वायर आएगा, डेफिनेटली आएगा, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं बच्चों, इसमें कॉमन टर्म ले लेते हैं। देखो यहाँ पर कॉमन टर्म क्या है आपको क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर कॉमन टर्म 7y है, यहाँ पे कॉमन टर्म क्या है बेटा 7y, तो 7 5 35 और 728, ठीक है। अब यहाँ पर कॉमन क्या है बच्चों, यहाँ पर कॉमन 3 है, तो ये कितना हो जाएगा बेटा 35y और प्लस का 4, ठीक है। अब ये देखो ये वाली दोनों टर्म, ये वाली दोनों टर्म सेम हो गई, इन दोनों क्या निकालेंगे बेटा कॉमन निकालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे कॉमन निकालेंगे 7y-3, ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट। अब बच्चों देखो ये आ गया आपका, ठीक है, ये आपका 4 है बच्चों, ठीक है, ये वाले टर्म हो गए लेंथ और ये वाले टर्म हो गए आपकी ब्रेथ, आंसर आ गया बच्चों, ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा बच्चों, प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लें फिर आगे चलते हैं बच्चों। देखो बेटा इस एक्सरसाइज का 2.5 का 16 एंड लास्ट फाइनल क्वेश्चन है आपका, ध्यान से समझेंगे बच्चों, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट लगेगा जो हम पीछे वाले क्वेश्चन में लगाया, पर थोड़ा सा अलग है। ये एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 का हमारा 16 क्वेश्चन, वही पूछ रहा है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड आर द फैक्टर ऑफ देयर वॉल्यूम्स, ठीक है, यानी कि बेटा ये बोल रहा है कि हमें पास क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम होता है बेटा सबसे पहले ये पता होना चाहिए आपको, वॉल्यूम का मतलब होता है आयतन, वॉल्यूम का मतलब क्या होता है आयतन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड्स, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होगा बेटा एल इंटू बी इंटू एच। इससे कंक्लूजन ये निकला बच्चों कि जब हम जो वॉल्यूम हमें गिवन है अगर हम इसका फैक्टर निकालेंगे तो वो उसका बेटा डायमेंशन हो जाएंगी, यानी कि एल बी एच हमारे पास आ जाएगा। तो देखो बेटा यहाँ पर अगर हम इससे 3 कॉमन ले लें और एक्स कॉमन ले लें, यहाँ पर क्या बचेगा एक्स माइनस 4, तो यहाँ से कंक्लूजन ये नहीं निकलना कि 3 इंटू एक्स माइनस 4 है, इसका मतलब ये है कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड से कंपेयर करें, ठीक है, देखो ये एल हो गया और ये हमारा बी हो गया और ये हमारा एच हो गया, है ना, तो यहाँ तक हमारा क्लियर मेंशन हो गया कि एल की वैल्यू हो गई 3 और बी की वैल्यू हो गई एक्स और हमारी एच की वैल्यू क्या हो गई एक्स माइनस 4, तो ये हमारा बेटा इसका डायमेंशन हो गया। यहाँ तक कोई डाउट बच्चों सभी को समझ में आ गया होगा। चलो बेटा सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन में भी यही करना है हमें, वॉल्यूम गिवन है बेटा 12ky² प्लस 8ky माइनस का 20k, यहाँ पे भी बेचारा अगर हम इसका फैक्टर कर लेंगे तो हमारा जो डायमेंशन हमारी हमारे पास गेट हो जाएगी। तो बेटा देखो यहाँ से हम अगर 4k कॉमन ले लें और कुछ तो कॉमन नहीं देगा, ये 4 के टेबल में आता है, ये भी 4 के टेबल में आता है और ये भी 4 के टेबल में आता है, ठीक है बेटा। तो 4 के कॉमन ले लिया तो ये 3y² और ये हो जाएगा आपका प्लस का 2y, ठीक है, और ये माइनस का 5 आ गया हमारे पास, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक कोई डाउट, अभी हो जाएगा हमारा 4k, अब हम क्या करेंगे बेटा इसका फैक्टर करेंगे, तो क्या आएगा बेटा इस वाले टर्म को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई 15y² और बीच वाले टर्म को इस तरीके से ब्रेक कि जोड़ने घटाने पे हमारा 2y आए, ऐड करने पे सबट्रैक्ट करने पे 2y आए और मल्टीप्लाई करने पे 15y² आए माइनस का, ठीक है। तो क्या लिखते हैं बच्चों, तो देखो जरा यहाँ पर अगर हम 5+3 कर दें, यानी कि 5y और माइनस का 3y माइनस का 5 कर दें, तो हमारा काम बन जाएगा बच्चों, तो ये बी हो गया, तो ये 4k हो गया। अब ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर देखो 5 × 3 कितना होगा 15 का माइनस वाई स्क्वायर और 5 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 2y बचेगा, यानी कि हम सब कुछ सही कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखो बेटा कॉमन टर्म क्या है हमारे पास सिर्फ y, तो ये हो जाएगा 3y प्लस का 5, यहाँ तक कोई डाउट बच्चों। इसमें से कॉमन कुछ नहीं दिखना तो माइनस 1, क्योंकि ये वाली टर्म और ये वाली टर्म हमारी क्या होनी चाहिए बच्चों सेम होनी चाहिए बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो गया 4k और ये हो गया हमारे पास, ये वाली टर्म बाहर निकाल लेंगे हम 3y प्लस 5, ठीक है बच्चों, और ये क्या हो गया हमारे पास y माइनस 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये सारे टर्म हमारे पास लिख दी है, तो यहाँ पर देखो बेटा क्या क्या मिल गया, ये हमारे पास हो गया l और ये हमारे पास हो गया b और ये हमारे पास हो गया बेटा h, ठीक है। तो ये आपको मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, ठीक है बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग इसे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं नई वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले, ठीक है बच्चों। तो प्लीज सभी को मेरा राम राम और धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट लेने आगे चलते हैं।